हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी मौसी की बेटी की शादी के कुछ क्लिप्स। एक्चुअली जब हम गए हुए थे जनेऊ में, जो इससे पहले का व्लॉग आया उसके बाद सेकंड नंबर व्लॉग यही है। एंड यहाँ पे मेरी अनु दीदी एंड भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स एंड बहुत सारे मिसिंग हैं क्योंकि अदर्स आर बिजी विद देयर जॉब्स एंड स्टडीज़। तो मैं पहुँच तो चुकी हूँ मौसी जी के घर पे एंड यहाँ पे मेरी नानी माँ सो रही है एंड वो लोग गए हुए काली पूजा करने के लिए। एंड तब तक मैं अपने बाल को स्ट्रेट कर लेती हूँ एंड रेडी हो जाती हूँ। मुझे डर लग रहा है मेरी नानी जग गई तो। एंड रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह भी फंक्शन था, अभी भी फंक्शन है, पता ना कितना सारा फंक्शन होने वाला है। सो मैं रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। राध्या हाय करो। हेलो शिल्पी, हाय करो। बहुत छोटी थी ना शिल्पी से जब मिले थे। तो अभी इन दोनों का मैं करने वाली हूँ मेकअप, है ना। कैसा मेकअप चाहिए बताओ? लाइट ही चाहिए। ठीक है, आराध्या से भी मैं बहुत पहले मिली थी, दिल्ली आई थी तो, है ना। चलो ठीक है, मैं आप लोग दोनों का मेकअप कर देती हूँ। ओके सो मम्मी लोग गई हुई थी काली पूजा में, आराध्या भी गई थी। आने के बाद मैंने उन दोनों को रेडी कर दिया एंड अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ का पंडाल बहुत ही सुंदर बना है एंड यहाँ के कल्चर में ऐसा होता है कि जयमाल जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। लाइक दीदी मेरी बाहर स्टेज पे नहीं आएंगी, वो भगवती घर में ही होगा। यहाँ सिर्फ जीजू के लिए बनाया गया है और जो बाकी बराती आएंगे उनके लिए। एंड ये काफ़ी सुंदर लगा मुझे। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये है मेरे प्रवीण मामा, मेरे छोटे मामा, और उनकी बेटी प्रणति। शी इज़ वेरी क्यूट। ओले, देखो किसी देर तक जल्दी से एक अच्छा वीडियो जाएगा। फिर मैं हाथ दिखाऊंगी किसी दो। अभी दिखाओ, सब बारात का वेट कर रहे हैं। सो हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे कि हमारे जीजू आ गए। एंड देखने के बाद पता चला कि अरे जीजू कैसे बदल गए। फिर पता चला कि वो किसी और की बारात जा रही थी। फिर काफ़ी सुकून मिला कि नहीं, हमारे जीजू बदले नहीं है। एंड अभी आ गए हमारे जीजू, आप लोगों को मिलवाती हूँ उनसे। ही इज़ रियली वेरी नाइस, मैच्योर, काफ़ी समझदार एंड मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा जीजू का। देखो कितने प्यारे हैं हमारे जीजा जी। आपको कैसे लगे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फिर यहाँ पे ये होता है कि जो दीदी के भाई होते हैं वो जीजा जी को गोद में लेकर स्टेज पर जाते हैं, स्टेज तक जाते हैं एंड चेयर पर बिठाते हैं। तो ये सबके यहाँ होता है, हमारे यहाँ भी होता है। एक्चुअली दीदी के यहाँ होता है, दीदी के दादीगढ़ में, क्योंकि शादी जो है वो दीदी के दादीगढ़ पिरकपुर में ही हुआ एंड वहाँ के सारे रिचुअल्स ही फॉलो किए गए। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा होता है सहबाला के साथ। तो सहबाल क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ, वो दूल्हे के घर से ही कोई होता है जो छोटा दूल्हा बनता है। एंड उसे आने में स्टेज पर काफ़ी शर्म आ रही थी बट आ गया। एंड फिर बारात की अच्छे से खातिरदारी की गई, उन लोगों ने खाना खाया एंड उसके बाद फिर जीजा जी को बुलाया गया परिछने के लिए। शायद परिछन ही बोलते हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता, अगर मैंने गलत कहा हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पर मौसी सारा चीज़ कर रही है, यहाँ का जो भी प्रोसेस होगा मुझे जो समझ में आया मैं वो समझाऊँगी। शायद अभी नज़र उतार रही है मिठाई है समथिंग, कुछ वैसा ही है। और नज़र उतार कर सारा फेंका जा रहा है कि जो बुरा नज़र होगा वो हट जाए। एंड यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि मौसी को और दूर तक फेंकना चाहिए ताकि वो दूर तक चले जाए सारा जितना बुरा भला है। एंड इसके बाद फिर आगे जीजा जी को सामान दिखाया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि ये क्या है, लाइक आप ये पहचान रहे हो ये क्या है, इसलिए फिर सारे लोग हंसते हुए नज़र आएंगे। सो ऐसा ही कुछ होता है एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये मैंने पहली बार ही अच्छे से देखा है। क्योंकि हर बार शादी में तो मैं इधर उधर बच्चों के साथ घूमती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ। यहाँ पर बच्चे कम थे, हमारे सारे कज़न्स नहीं आए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि रिचुअल्स को ही अच्छे से देखा जाए। एंड यहाँ पे पान के पत्ते से गाल सेका जा रहा है, लोढ़ी से भी सेका जाता है बट यहाँ पे पान के पत्ते से सेका जा रहा है। एंड आगे क्या क्या होगा आप देख लो। सो अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा फेवरेट रिचुअल स्टार्ट होने वाला था। उसमें मैं दीदी बनकर बैठी रहती थी, मतलब लाइक दुल्हन बन के। एंड जीजू को आके चूज़ करना होगा कि दोनों में से कौन है आपकी दुल्हन। इसमें एक सॉन्ग भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो कि रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। अगर शादी का क्लिप्स आएगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं पाउडर लेकर बैठी हूँ, जीजू को चूज़ करना है कि कौन सी दुल्हन है। एंड अच्छे से उड़ा दिया गया, आप देख सकते हो चुनरी को भी। एंड मैंने अपनी साड़ी दीदी के ऊपर जानबूझ कर डाल दिया ताकि जीजू को दिखे और वो नहीं लगे कि वो मैं हूँ। एंड ऑब्वियसली यही हुआ, जीजू हार गए, उन्होंने मुझे चूज़ कर लिया। एंड उठते के साथ मैंने उनके पूरे फेस पे पाउडर लगा दिया जो आपको अभी भी दिख रहा होगा। एंड आई वाज रियली वेटिंग फॉर दिस। ऐसे जीजू अगर दीदी को भी चूज़ करते तो मैं पाउडर लगाती, ऐसा मुझे सबने सिखाया था कि ये करना ही है, बट उन्होंने तो गलत ही चूज़ किया था, तो पाउडर लगना तो बनता है। और जयमाल भगवती घर के अंदर ही हुआ, वो भी मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। एंड अभी दीदी बैठी हैं मौसा जी के साथ क्योंकि अभी कन्यादान होगा एंड उसके बाद ही वो जीजू के पास जाकर बैठेंगी। एंड दैट्स व्हाई एवरीवन इज क्राइंग। Yeah.
सो अब होता है कन्यादान समाप्त और अभी दीदी जाकर बैठेंगी जिया जी के पास एंड लेफ्ट में है दीदी की मम्मी मेरी मौसी और राइट में है दीदी की बड़ी दीदी अनु दीदी एंड पीछे उनकी फ्रेंड थी बेस्ट फ्रेंड एंड यहाँ पर चिन्नू भैया हैं एंड यहाँ पे क्या होता है कि अभी भाई जो है वो लावा छिड़केंगे एंड उनके पीछे पीछे जाना है कुछ ऐसा ही होता है इसके पीछे का रीज़न और लॉजिक आई रियली डोंट नो बट इस बार मैंने देखा है काफ़ी तो जो देख रही हूँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना सुंदर से माहौल में मेरा बेसुरा गाना आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना पता नहीं मुझे क्या मन कर गया था वो गाना गाने का एंड अभी दीदी को प्रिपेयर किया जा रहा है सिंदूर के लिए एंड दैट्स वाई सब घी लगा रहे हैं एंड अभी दीदी को छोटे से मिरर में दिखाया जा रहा है कि आपको फेस दिख रहा है एंड घी से बाल को रेडी किया जा रहा है ताकि सिंदूर जो अच्छे से चिपका रहे चौठारी तक चार दिन तक हमारे घर में चौठारी होता है जी हाँ मिथिला कल्चर के अगर आप हैं तो आपको पता होगा एंड हमारे यहाँ जो सिंदूर पड़ता है वो भी पिंक कलर का होता है सो अब जितने भी बड़े लोग हैं शादीशुदा लोग हैं वो आशीर्वाद देंगे सिंदूर लगाकर तो सबसे पहले शुरुआत हुई मेरी नानी माँ से वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं एंड दैट्स व्हाई हर हैंड वॉज शिवरिंग तो वहाँ पर मेरी मम्मा पूछ रही थी नानी माँ से कि आपको दामाद जी पसंद आए या नहीं एंड दामाद जी कैसे ब्लश कर रहे थे आप लोगों ने देखा ही होगा जी हाँ मेरे जीजू काफ़ी ब्लश कर रहे थे उस टाइम पे एंड अभी फिर सारे जितने भी बड़े लोग थे सबने आशीर्वाद दिया सबने सिंदूर दान किया एंड उसके बाद जीजा जी के घर से जितने भी लोग आए थे उन्होंने जो भी गिफ्ट्स लाया था वो सब दीदी को दिया एंड यहाँ पे साड़ी वाला एक रस्म होता है पल्लू आगे और पीछे वाला कुछ ऐसा जो आप देख सकते हो एंड उसके बाद फिर जितने भी लोग अपने आशीर्वाद होता है गिफ्ट होता है वो देते हैं एंड यहाँ पे अनु दीदी बिदकड़ी हैं बिदकड़ी वो होती है जो सारा बिद करती है एंड वो सारा सामान रखने में हेल्प करेंगी दीदी का एंड अब शादी समाप्त होने वाला है और आगे क्या क्या होगा वो आप लोगों से शेयर करते हैं तो मैंने रात भर जाग कर शादी देखा है इसका जीता जागता सबूत ये नीला आसमान है जो कि रात में काला था अभी नीला हो चुका है एंड शादी का रिचुअल्स ऑलमोस्ट डन है बस चुमान बाकी है जो कि जीजा जी का होगा लाइक मम्मी और फिर जितने भी बड़े लोग हैं मौसी नानी सब उन्हें चुमाएंगे लाइक चावल के धान से चुनवाया जाता है उसमें क्या होता है कि आशीर्वाद दिया जाता है काइंड ऑफ आशीर्वाद ही होता है ये क्योंकि छोटे लोग नहीं करते जो बड़े होते वही करते हैं एंड उसके बाद फिर हमारा फेवरेट रिचुअल हो गया वो द्वार छिकाई है अब क्या क्या होगा आप देखते जाओ रकम चुकाना होगा पेमेंट करना पेमेंट कैसा लगे क्या करोगे मुझे यहां का फीस अरे तो कितना फी क्या फी फी लेके क्या कीजिएगा फी का मिसयूज हो गया तो बोलो ना तो कुछ गोल्ड ही दे दीजिए फी का तो मिसयूज हो सकता है ना मिसयूज नहीं होगा यूज करेंगे फी का तो मिसयूज हो सकता है ना क्या कीजिएगा फी का अच्छा अच्छा यूज करेंगे जैसे आपकी बीवी के लिए हम अच्छा सा गिफ्ट खरीदेंगे बोलो ना तो खराब मेरा भाई खराब हो गया उसकी माँ यहाँ खड़ी है चिंता मत करिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया अब एंट्री मिल जाएगा ना अरे हाँ चेकिंग चेकिंग बहुत जरूरी चेकिंग के बाद किसी दौरे
ठीक है भाई चलो वेलकम लाइक सोना होना चाहिए चांदी में नहीं 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 जो भड़काऊ बहुत लोग नहीं नहीं आहा सुन के नहीं भेल की नहीं भेल ले भेल ले नहीं नहीं भेल ले भेल ले ले सोने के भाई चांदी छिए भाई भेल ले नहीं नहीं हमरा जो सुन के नहीं भेल हम दिमाग सुन के भड़काऊ के बात नहीं छी थारी वाला ज्योति भाई।